अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है अमरूद का जैम। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम के करीब अमरूद लिए और अमरूद को आप थोड़ा सा पका हुआ लें। तो हमने यहाँ ये अमरूद को पके हुए लिए हैं, ये देखिए। तो इन्हें धोकर और इन्हें हम छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। तो ये अमरूद को हमने काट लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि अमरूद के हमने इस तरह के पीस कर लिए हैं। तो इसे रखेंगे हम एक प्रेशर कुकर में, इसे हमें अच्छे से गलाना है। प्रेशर कुकर में रख देते हैं गलने के लिए। एक गिलास के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। इसका लगा देंगे हम ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। अमरूद अच्छी तरह गल गए हैं, ये देखिए। अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ एक जार लेंगे और जार में इसे डालकर पीस लेंगे। अमरूद को पीसने के बाद में इसे हम छान लेंगे। अमरूद को हमने अच्छी तरह छान लिया है और ये बीजों को हम हटा देंगे। अमरूद का पल्प हमने निकाल लिया है और 400 ग्राम हमने यहाँ चीनी ली है। एक चुटकी येलो फूड कलर लिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। तो हम इसे पका लेते हैं। कढ़ाई में ये अमरूद का पल्प डालेंगे, चीनी डाल देंगे, फूड कलर डाल देंगे। गैस को यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह पका लेंगे। जैम को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैम ने ये किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो गैस को हमने थोड़ा मध्य ही रखा था और मध्य फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए इसे पका लिया। तो जैम अच्छी तरह पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक एयर टाइट जार में भरकर रख लेंगे।